एक बंदे को मेरे पास 10 बार रूटा देना पड़ता है टू गेट हिज कैश, आप और 6 को लगा रहे हैं। अरे अपने सिस्टम को ठीक करिए ना, फिर आप बताइए कि मेरी सर्विस ठीक नहीं है। आप वो अपनी सर्विस ठीक नहीं कर रहे हैं। कि आप हमारे रोजगार को मत छीनिए, आप अपने भाई चचेरे भाई को अपनी बरादरी को मत लगाइए, ये मेरा रोजगार है और इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए हम भी जो करेंगे वो आपके लिए बुरा होगा। वो अपने भाई को लगा रहे नाजिर। जम्मू कश्मीर बैंक की पॉलिसियां लगातार चेंज हो रही है और जम्मू कश्मीर की बैंक की पॉलिसियों को लेकर अगर आज से पहले हम देखा करते थे यहां पर जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड्स यहां पर लगातार एहतजाज करते थे, लेकिन आज जो आप हमारे साथ ये पूरी सेना देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ कश्मीर के हैं बल्कि जम्मू से भी लोग यहाँ पर आए हैं और एक बड़ी तादाद में लोग आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इकट्ठा हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है आज आपको यहाँ पर, पूरे जम्मू के लोग भी हमने देखे वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहले एक्चुअली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हर 6 गांव में एक खिदमत सेंटर का होना जरूरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, 2009 में यहाँ पे आई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो लड़के हैं आप देख रहे हैं इर्द गिर्द, उनकी जो एज है दैट्स अप्रोक्सीमेटली क्रॉस 40, फॉर ऑल इट्स हैज क्रॉस 40, तो उन्होंने अप्लाई किया है, दे गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। लेकिन आपने ये बोला कि उनके पास ऑलरेडी भीड़ है, वो ऑलरेडी भीड़ नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कि डिजिटल इंडिया से सबसे पहले अगर इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा है खिदमत सेंटर्स पे, क्योंकि डिजिटल का मतलब है कि लोग खुद करें, लोग जो काम हमारे पास होता था वो खुद करें। चले आप हमारे पास जेके बैंक की 2 दी हुई सर्विसेज थी, 1 वाज लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर वाज द कियोस्क बैंकिंग, जिससे लोग हमारे पास कैश लेते थे, अब वो भी डिजिटल चला जा रहा है, उसमें हमारे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर 6:1 है तो आज की डेट में जो यहाँ पे हेलमेट अफेयर्स में बैठे हैं, मैं नाम भी ले लूंगा, उनका नाम है जरीर कादरी साहब, वो बैठे हो, उसका ये मकसद है कि हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, नॉट इवन पंचायत, हर एक मोहल्ले में एक डीसी को बिठाया जाए ताकि वो लोग आगे बोले, हमारे जमीन साहब आगे बोल पाए कि हमने रोजगार दिया है। लेकिन जमीन साहब को ये भी पता होना चाहिए कि रोजगार जिनके पास है आप उनसे छीन रहे हैं। और अगर एक बंदा अभी 10,000 रुपए कमा रहा है, अपने आयार को चला रहा है, आप उसको 6 लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि वो 6 क्या कमाएंगे? ठीक है, रोजगार दे रहे हैं, किसके लिए रोजगार दे रहे हैं? 6 को वो आप डिवाइड करें 10,000 को 6 में। अगर आपकी सैलरी परसों 5 साल थी 1,10,000, वो यू आर ड्राइविंग द सैलरी ऑफ 1,50,000 रुपए आज की डेट में, और आप एक डीसी को डाउनग्रेड करें, एक खिदमत सेंटर जो कल का 10,000 रुपए कमा रहा था वो आज आप उसको 2,000 रुपए लेके आए, ये आपकी अपनी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। लेट मी बी क्लियर, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये इतनी क्रूर नहीं होती है कि गवर्नमेंट ने उनको बता दिया आप लगा दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन मेरे पास है, आरबीआई की गाइडलाइन नेवर स्पीक्स कि हर एक पंचायत में लगाइए, हर एक गांव में लगाइए, वहां पे आरबीआई की गाइडलाइंस क्लियर कट गाइडलाइंस है कि आप अनबैंकड एरिया में लगाइए, अनबैंकड वर्ड यूज किया जा रहा है, अनबैंकड। लेकिन जब ऑलरेडी बैंकड एरिया है जहां पे 2 बैंक है, आपके एक्सिस बैंक है, जेके बैंक है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द फंड ऑफ अपॉर्टिंग मोर बीच इज देयर, इट्स बिकॉज मीडिया को भी पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तभी आप मेरी बात को आगे ले जा सकते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हर एक अनबैंकड एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रमोट की जाए। हम भी उसके साथ है कि हर एक अनबैंकड एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर वहां पे आपका जो सिस्टम है वो वहां काम नहीं करता है, एक बंदे को मेरे पास 10 बार रूटा देना पड़ता है टू गेट हिज कैश, आप और 6 को लगा रहे हैं, अरे अपने सिस्टम को ठीक करिए ना, फिर आप बताइए कि मेरी सर्विस ठीक नहीं है। आप वो अपनी सर्विस ठीक नहीं कर रहे हैं, वो अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने जो मेरे ब्रांच हेड साहबान है वो बहुत उनसे भी मोदीपाना गुजारिश है कि आप हमारे रोजगार को मत छीनिए, आप अपने भाई चचेरे भाई को अपनी बरादरी को मत लगाइए, ये मेरा रोजगार है और इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए हम भी जो करेंगे वो आपके लिए बुरा होगा। जी हाँ नाजी, बिल्कुल आपको बता दें कि ये वो कर्मचारी हैं जो खिदमत सेंटर का काम करते हैं और इनका मानना है कि जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें हर पंचायत नहीं बल्कि हर मोहल्ले में एक खिदमत सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके कारण हम जो लोग काम कर रहे थे यानी कि हमारा जो रोजगार है वो डिवाइड हो जाएगा करीबन हर गाँव पर, और जिससे हमारे रोजगार पर एक बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है। अब इन लोगों का मानना है कि
हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना जो हम करेंगे वो आने वाले समय में आप भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं जो आला हुकाम है वो इनकी इस बात पर गौर करेंगे और इन लोगों के रोजगार के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।